कश्मीर को लेकर बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर परमाणु बम की धमकी दी है। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर को लेकर दो परमाणु ताकत वाले देश आमने सामने हैं। हालांकि इमरान खान ने माना है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में हार सकता है, लेकिन पाकिस्तान स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो कोई भी इसे टुकड़ों में तोड़ने से नहीं रोक सकेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। भारत जाति या धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपना तरीका नहीं सुधारा और सेब उत्पादकों को उनके उत्पाद घाटी के बाहर बेचने के लिए धमकी देना बंद नहीं किया तो वो जल्द मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। रिजिजू ने कहा है कि कश्मीर के युवा खेलना चाहते हैं, लेकिन पुराने लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। सरकार कश्मीर के युवाओं को खेल की तरफ जागरूक करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। वो खेलेंगे तो उनका ध्यान नहीं भटकेगा। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गड़े हैं। शरद पवार ने कहा है कि जो प्यार उन्हें पाकिस्तान में मिला है वैसा कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर ममता बनर्जी ने कहा है कि इस वक्त देश में सुपर इमरजेंसी लागू है। संविधान में मिले अधिकारों और स्वतंत्रता की हमें रक्षा करनी चाहिए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में रोजगार और नौकरियों की कोई कमी नहीं है। रोजगार बहुत है, पर उत्तर भारत में काबिल कैंडिडेट कम मिलते हैं। प्रियंका गांधी ने हमला कर कहा है कि आर्थिक मंदी के चलते लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती को बुरा वक्त बताते हुए कहा, कभी खुशी है तो कभी गम। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हाउडी मोदी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के आने की संभावना है। 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसद के साथ साथ ही नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हाउडी मोदी में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए जबकि 6 घायल हो गए। पुलिस ने कहा है कि अभी भी गढ़चिरौली में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में हमलों का मास्टरमाइंड भास्कर घायल हो गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से नमामि गंगे द ग्रेट गंगा रन का आयोजन किया गया। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन का मकसद एक जन आंदोलन की शुरुआत कर लोगों को गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूक करना है।